दोस्तों, जब भी हम शेयर बाजार में काम करने की सोचते हैं तो हम कोई ना कोई ट्रेड लेते हैं। अब उस ट्रेड को लेते ही कुछ चार्जेस लग जाते हैं। अब कुछ चार्जेस तो हमारी सरकार दोस्तों हमसे ले लेती है, कुछ चार्जेस हमारा ब्रोकर हमसे ले लेता है। चाहे हमें ट्रेड से मुनाफा आए या ना आए वो तो बाद की बात है, लेकिन ये चार्जेस ट्रेड लेते ही लग जाते हैं। जैसे कि एसटीटी चार्जेस, डीपी चार्जेस भी फिक्स हो जाता है हमारा जब भी हम ट्रेड लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी हमारी फिक्स हो जाती है, और न जाने क्या क्या चार्जेस हमारी गवर्नमेंट हमसे ले लेती है। साथ में हमें आईटीआर के अंदर जो प्रॉफिट कमाया है उस पर भी टैक्स देना होता है, और जो ब्रोकर है वो हमसे ब्रोकरेजेस ले लेता है, और भी कुछ छोटे मोटे चार्जेस है वो लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे चार्जेस है जिसका झमेला हमें झेलना पड़ता है ट्रेड लेते ही। लेकिन एक चार्जेस और है जो बहुत ज्यादा लग जाता है कई बार, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नाम है इम्पैक्ट कॉस्ट। अब ये क्या है, किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, इसको समझते हैं। ये इम्पैक्ट कॉस्ट इतनी बड़ी भी हो जाती है कई बार, ये 10-10, 20-20 हज़ार तक भी चली जाती है, 500 हज़ार रुपये से शुरुआत हो जाती है नॉर्मली। और ये किस तरीके से हमें हार्म करती है, हमारा पैसा खराब करती है, उसको समझते हैं, और कैसे बचा सकते हैं इसको भी समझते हैं। तो एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं ये क्या है और कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। स्क्रीन पर दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं, ज़ेरोदा ने जो एक ब्रोकर है, भारत का नंबर वन ब्रोकर है, इसने एक ऑर्डर लॉन्च करा है जिसका नाम है आइसबर्ग। ये देख रहे हैं आइसबर्ग, ये दोस्तों ऑर्डर लॉन्च करा है, और ये ऑर्डर आपके इम्पैक्ट कॉस्ट को बचाएगा। अब ये कैसे काम करता है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है, उसके ऊपर भी आते हैं। अभी जो आइसबर्ग है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, जैसे हमारे जैसे ट्रेडर, अब हम संस्थागत निवेशक तो नहीं है, हमारे पास हजारों करोड़ तो नहीं है लोगों का जो हम उठा करके निवेश करते हैं, हम तो लाखों रुपए में खेलने वाले हैं, मैक्सिमम 1 करोड़ तक जा सकते हैं, लेकिन हजारों करोड़ तक नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर जो लाखों और करोड़ों और हजारों वाले ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, वो आइसबर्ग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ज़ेरोदा ने ये फीचर हमारे लिए लॉन्च कर दिया है। संस्थागत निवेशकों के लिए तो ये आम बात है, लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए ये आम बात नहीं है। ये रिसेंटली लॉन्च हुई हुई एक नई चीज़ है जिसका हमें बखूबी इस्तेमाल करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। अब देखिए, आइसबर्ग को मैं बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले इम्पैक्ट कॉस्ट को समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, आइसबर्ग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई ट्रेड लेने जाते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हम कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं और 1000 क्वांटिटी हम बाय करते हैं, कोई भी स्टॉक हो, किसी भी तरीके का ट्रेड हो, डेरिवेटिव का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। अब उसके अंदर देखिए होता क्या है, मान लेते हैं स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 रुपये पे, आपने 1000 क्वांटिटी का एक ऑर्डर डाल दिया और मार्केट पे उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपके पास शेयर आते आते कीमत होगी उसकी 100 रुपीज़ 50 पैसा। बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो मार्केट फ्लक्चुएट होता ही है, थोड़ा बहुत तो मार्केट ऊपर नीचे जाता ही है, लेकिन जो चीज़ 100 रुपये की थी वो हमारे पास आते आते 100 रुपये 50 पैसे की हो गई। इसको दोस्तों कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, जो है 0.5। और यहाँ देखिए, अगर 1000 क्वांटिटी आपने ली थी तो 500 रुपये आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब ये जो 500 रुपये इम्पैक्ट कॉस्ट आ गई, जो सरकार आपसे चार्जेस ले रही है ये उससे भी ज़्यादा है, और जो ब्रोकर आपसे ले रहा है ये उससे भी ज़्यादा है। यानी अगर आपने ये चार्जेस बचा लिए तो एक तरीके से गवर्नमेंट के एसटीटी वगैरह प्लस ब्रोकरेजेस वो बहुत सारी क्योर कर लोगे आप। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड लेते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में तो ब्रोकरेज लेता ही नहीं है ज़ेरोदा, वो तो बिल्कुल फ्री है। डेरिवेटिव मार्केट में आपसे लेता है, वो भी हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं जब इम्पैक्ट कॉस्ट हम कम कर लेंगे। देखिए, पूरी तरीके से तो नहीं कहता, लेकिन अगर ये 50% भी कम हो जाए तो 250 रुपये तो पर ट्रेड हम बचा ही सकते हैं। और यहाँ देखिए, 1000 क्वांटिटी थी, अगर मान लेते हैं यहाँ 10000 क्वांटिटी होती तो सीधा 5000 चले जाता ये नुकसान। मान लेते ये क्वांटिटी 50000 हो जाती तो ये 25000 रुपये भी जा सकता था। तो इम्पैक्ट कॉस्ट दोस्तों ये होती है। अब दोस्तों, आइसबर्ग आपके लिए क्या करता है, आइसबर्ग आपके लिए ऑर्डर को डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपने
1000 क्वांटिटी का कोई ट्रेड डाला और ये क्या करेगा, ये लेग बना देगा, यानी फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, यानी डिवाइड कर देगा। मान लेते हैं आपने इसको डिवाइड कर दिया 5 लेग से, 1, 2, 3, 4, 5। अभी क्या करेगा, 1000 क्वांटिटी को एक बार में ना दे करके एक्सचेंज को 200-200 क्वांटिटी देगा। पहली 200 क्वांटिटी फर्स्ट लेग में आएगी, फिर अनदर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग, फिर फिफ्थ लेग, यानी पांच भाग में इसको डिवाइड हमने कर दिया, जिससे हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी संस्थागत निवेशक किसी स्टॉक के अंदर बाइंग करते हैं तो स्टॉक एक बहुत लंबी रैली एकदम दिखाता है, एकदम बुलिश हो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे बाय करते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते। तो आइसबर्ग आपके लिए ऑलरेडी ये काम कर रहा है और आपके जो ऑर्डर्स है उसको धीरे धीरे करके एक्सचेंज को भेज रहा है, ताकि आपकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट है उसको वो बचा सके। अब ये काम कैसे करता है, किस तरीके से करता है, वो मैं प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल आप इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप आइसबर्ग का यूज़ करेंगे तो जितने लैग आपने बना दिए उतनी बार ब्रोकरेजेस चार्ज हो जाएगी। अब देखिए अगर आप जीरोधा में काम कर रहे हैं तो जीरोधा में अगर होल्डिंग के लिए अगर आप बाय करते हैं स्टॉक्स को, डिलीवरी के लिए बाय करते हैं, तो कोई चार्ज लगता ही नहीं, ऑलरेडी ब्रोकरेजेस लगती ही नहीं। तो 5 लाख बनाओ चाहे 10 लाख बनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आप डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो डेरिवेटिव्स में अगर आपने 5 लाख बना दिए तो 5 बार ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट बचा लेगा। अब ये किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, जो डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं वो इम्पैक्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा बचा लेंगे कि 5 बार ब्रोकरेजेस भी देनी पड़ गई तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या इसका बेनिफिट है उसको भी समझ लेते हैं। अब ये जीरोधा हमसे कह रहा है कि डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी का भी आप फीचर यूज कर सकते हैं, वो भी लगभग ऐसा ही है लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लस इसको एफएनडो में यूज नहीं कर सकते और डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी को लैग नहीं बनाता है। तो आप डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी अगर यूज करना चाहते हैं इक्विटी के अंदर, आप यूज कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी का, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको आइसबर्ग का यूज करने के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए 1 लाख रुपए, और अगर आप एफएनडो में काम कर रहे हैं तो 5 लॉट्स तो कम से कम आपको ट्रेड करने ही पड़ेंगे, तब जाकर के आप इसका बखूबी यूज कर पाएंगे। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इसने बता दिया आपको। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं और आगे चलते हैं, ऑर्डर वैलिडिटी इन मिनट्स। आपको पता है जब भी हम कोई ट्रेड डालते हैं तो जब भी दोस्तों हम ट्रेड डालते हैं तो एक वैलिडिटी हमारे पास होती है, एक तो डे वैलिडिटी होती है, ट्रेडिंग डे वैलिडिटी होती है, एक होता है दोस्तों इमीडिएट और कैंसिल होता है, यानी हमारा जैसे हमने ट्रेड लिया या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए या वो कैंसिल हो जाए। एक नया हमारे पास आ गया है मिनट वैलिडिटी, आप मिनट सेट कर सकते हैं। मिनट आप सेट कर देंगे अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपके ऑर्डर सारे लैग एग्जीक्यूट हो गए तो ठीक है, जो लैग बच के वो ऑटोमेटिक वो कैंसिल कर देगा। क्योंकि ये भी सिर्फ कॉस्टिंग का मैटर है, क्योंकि कॉस्टिंग एकदम ऊपर जा रही है उसमें वो आपको क्योर कर देता है। अब दोस्तों एक और बेनिफिट है आइसबर्ग का, आप इसको जरा समझिएगा। देखिए यहां पर जो मार्केट है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज ने एक मैक्सिमम लिमिट सेट करी हुई है इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। क्या लिमिट है, लिमिट समझ लीजिए, निफ्टी पे ट्रेड ले रहे 36 लॉट्स, एक ऑर्डर में उसे ज़्यादा नहीं ले सकते। सेकंड है दोस्तों बैंक निफ्टी 48 लॉट्स, यानी 1200 क्वांटिटी से ज़्यादा आप एक ऑर्डर में नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने आइसबर्ग का ऑर्डर लगा दिया तो आप 10,000 क्वांटिटी या 200 लॉट या उससे भी ज़्यादा एक ऑर्डर में लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि आइसबर्ग ऑटोमेटिक इसको डिवाइड कर देगा और डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। तो एक और बेनिफिट है आइसबर्ग का कि आपको बार बार ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा के छोड़ दीजिए, सेट कर दीजिए लिमिट और उसके बाद ये काम करता रहेगा, इम्पैक्ट कॉस्ट आपकी बचाता रहेगा। ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में दोस्तों काम करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों मोटी मोटी जो कहानी थी वो आइसबर्ग की ये थी। प्रैक्टिकल हम दिखा देते हैं कि प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे अगर आप आइसबर्ग का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम
हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जीरोधा के, और कोई भी एक स्टॉक खोल लेते हैं। मैं खोल लेता हूँ SBI, मैं इसको बाय करता हूँ। और यहाँ देखिए हमारे पास, देखिए ऑर्डर्स की यहाँ पर देखिए बहुत सारे वेराइटी आ गई है। एक है रेगुलर ऑर्डर, एक है कवर ऑर्डर, एक है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और एक है दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लेना चाहते हैं तो चाहे 5 लाख बनाए चाहे 10 लाख बनाए, मैक्सिमम लिमिट 10 लाख के, 10 लाख से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म में अगर मैं 10 लाख बनाता हूं, इसमें ब्रोकरेजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्रोकरेजेस लेते ही नहीं है जीरोधा जब आप डिलीवरी पे काम करते हैं। डेरिवेटिव में लगेंगे ब्रोकरेज आपके और इंट्राडे में लगेंगे। मान लेते हैं मैंने 1000 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ, और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लैक्स, देखिए यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। मैं इसको हटा के 10 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अगर मैंने इसको 10 कर दिए तो यहाँ देखिए 100 क्वांटिटी ऑलरेडी लिखा हुआ है, 100 क्वांटिटी पर लैग, फर्स्ट लैग में 100 क्वांटिटी आएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, मान लेते कि स्टार्टिंग के आपके 2 लैग एग्जीक्यूट हो गए और बाकी लैग आप कैंसिल करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो बाकी के सारे लैग मॉडिफाई हो जाएंगे। और अगर आप कैंसिल करते हैं तो जितने भी लैग बचे हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हुए, जो ट्रेड नहीं लिए, पेंडिंग में है, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए हमने बात करी थी वैलिडिटी की, डे वैलिडिटी ले सकते हैं, पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगी। इमिडिएट में क्या होता है, या तो इमिडिएट यहाँ पर ट्रेड लेगा या कैंसिल कर देगा उस ऑर्डर को। दूसरा यहाँ पर मिनट का ऑप्शन और आ गया है। अब यहाँ पर आप मिनट सेट कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, मान लेते मैंने 5 मिनट सेट कर दिए। 5 मिनट में जितने लैग एग्जीक्यूट हुए, हुए नहीं हुए, तो ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा ये। और उसके बाद आप बाय करेंगे तो ये बाय हो जाएगा। पहले फर्स्ट उसमें फर्स्ट लैग जाएगा 100 क्वांटिटी का, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये क्या करेगा, आपके इम्पैक्ट कॉस्ट को बचा के ले जाएगा। अगर 500,000 भी दोस्तों ये बचा लेता है तो बहुत बड़ी रकम होती है। जब आप बड़ी क्वांटिटी पे काम करते हैं तो उनके लिए तो फ्रूटफुल है, डिलीवरी वालों के लिए भी फ्रूटफुल है, क्योंकि कई बार हमें 1-2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने होते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया हो, ये फीचर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक ज़रूरी बात, अगर जीरोधा में आपको अकाउंट खुलवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, ओपनिक लिंक, आप वहाँ से जा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका बेनिफिट दोस्तों ये होगा कि इन फ्यूचर जो हम सर्विसेज आपको लिए लाएंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बहुत ज़्यादा हम कुछ सर्विसेज लेकर के आने वाले हैं, जिन्होंने भी हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाया हुआ होगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।